बेटे प्रीवियस ईयर का 2011 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन हैव द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन इज इक्वल टू 3 एंड स्पिन क्वांटम नंबर एम एस इज इक्वल टू माइनस हाफ। देखो बेटे, अगर एन इज इक्वल टू 3 की बात की जा रही है तो एन इज इक्वल टू 3 का मतलब थर्ड ऑर्बिट, और थर्ड ऑर्बिट में एक थर्ड एस होगा, थर्ड पी एंड थर्ड डी, राइट। एन इज इक्वल टू 3, इन सभी के लिए एन की वैल्यू 3 होगी, लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर हाफ मतलब इसमें जितने भी ऑर्बिटल होंगे, एस में नंबर ऑफ ऑर्बिटल, पी में नंबर ऑफ ऑर्बिटल 3 और डी में नंबर ऑफ ऑर्बिटल 5, राइट। इसमें 1, इसमें 3 और इसमें 5। अब बेटा क्या है कि यहां पर हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर एन इज इक्वल टू 3, तो ये फॉर्मूला होता है बेटा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर, राइट। तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर मतलब टोटल कितने हो गए, 18। तो ये जो ऑर्बिटल्स हैं इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 18 होंगे, लेकिन उनमें से एक इलेक्ट्रॉन हाफ स्पिन का होगा प्लस, तो एक माइनस, 1 प्लस तो 1 माइनस, ऐसे करके होगा सभी। मतलब सिंपल सी चीज है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जितने हैं उसमें से हाफ की स्पिन पॉजिटिव होगी और हाफ की स्पिन क्या होगी, नेगेटिव। मतलब हम यहां पर बोल सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ सेम स्पिन इन एन इज इक्वल टू 3, तो वो कितना होगा बेटा, 18 का हाफ 9। 9 इलेक्ट्रॉन की स्पिन प्लस हाफ होगी और 9 इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या होगी, माइनस हाफ। तो सिंपल अगर इसको जनरलाइज्ड फॉर्म में देखा जाए ना, तो आप बोल सकते हो इन एन ऑर्बिट मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ सेम स्पिन इज इक्वल टू एन स्क्वायर, ठीक है ना। किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ सेम स्पिन कितना होगा बेटा, एन स्क्वायर, ठीक है ना। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तक तो वैलिड होगा, लेकिन जब आप फिफ्थ में जाओगे ना वहाँ पर वैलिड नहीं होगा, क्योंकि फिर वहाँ पर जो है एफ के बाद जो है जो आपके सब ऑर्बिट होते हैं वो कंसिडर्ड नहीं होते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो मैक्सिमम फोर्थ तक ये वैलिड बेटा, उसके बाद आप इसको अप्लाई नहीं करोगे, राइट। अच्छा, अब इसके हिसाब से अगर देख लो कि n इज इक्वल टू 3 हमको दिया हुआ था, n इज इक्वल टू 3 और प्लस हाफ की माइनस हाफ के लिए बात किया हुआ था, तो ये माइनस हाफ की बात करेगा तो भी आंसर वही होगा, प्लस हाफ की बात करेगा तो भी आंसर वही होगा, क्योंकि हाफ ऑफ द इलेक्ट्रॉन की स्पिन पॉजिटिव होगी और हाफ की क्या होगी, निगेटिव होगी। इसलिए हमने इसको जनरलाइज कर लिया कि मैक्सिमम इन एन ऑर्बिट मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द सेम स्पिन वो एन स्क्वायर होगा। अब वो चाहे पॉजिटिव स्पिन ले लो और नेगेटिव, तो एन इज इक्वल टू 3 की बात की जा रही है, तो 3 का स्क्वायर कर दो, आंसर कितना आ जाएगा, 9। क्लियर है? ओके, क्लियर।